नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी? इंटरनेट से कमाओ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम बताएंगे इंटरनेट से कमाना कैसे, आप अपनी कमाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके एक काम कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आइकॉन है बेल, उसको भी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे, यदि आप दुकानदार हैं, सेलर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, कुछ भी हैं, जो भी आप कुछ बेचना चाहते हैं अपने सामान को, तो आप मीशो सेलर बन के कैसे बेच सकते हैं, उसके बारे में हम आपको आज कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और मीशो सेलर बन के आप क्या क्या, कैसे अपनी कमाई को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में, सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, और हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं उसमें, वो भी बताएंगे कैसे हेल्प हम करेंगे आपकी। तो दोस्तों, आपने मीशो का नाम तो सुना ही होगा, आजकल काफ़ी लोग मीशो से कोई कपड़े मंगा रहा है, कोई मोबाइल मंगा रहा है, कोई ईयरफोन, कोई चार्जर, सब कुछ मंगा रहा है। और मीशो क्या, सेलर को दे रहा 0% कमीशन, यानी कि कोई कमीशन नहीं ले रहा मीशो, जबकि जब आप और दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको कमीशन देना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी बड़ी, हाँ समझ जाइए। तो अब हम चलते हैं, आपको कि मीशो पे आपको अकाउंट बनाना है, सेलर अकाउंट, यानी कि आप अब विक्रेता बनना चाह रहे हैं मीशो के थ्रू, आप अपना माल बेचना चाह रहे हैं, चाहे आपके पास कुछ भी है माल, वो बेचने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी वो आप समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो देखिएगा ज़रूर, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा, तभी आप काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी नंबर, और उसके बाद में चाहिए बैंक अकाउंट नंबर। जीएसटी नंबर चाहिए आपका अपना माल बेचने के लिए, और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए खाते में रोकड़ा लेने के लिए, भाई माल बेचोगे तो पैसे भी तो आने चाहिए ना, सीधी सी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मीशो के सप्लायर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। तो ये मीशो का सप्लायर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, काफी इजी है, काफी आसानी तरीके से कर सकते हो, लेकिन यदि आप हमारे साथ मिलके करोगे तो हम आपको कुछ बेनिफिट बताएंगे, वो बताएंगे आपको वीडियो के अंत में, कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हम आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालने के बाद यहाँ ओटीपी डालना है, अब क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, और यहाँ पे मेल आईडी डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मिनिमम 8 करेक्टर का होगा, जिसमें आप करेक्टर और नंबर मिक्स कर सकते हैं, उसमें एक स्पेशल करेक्टर भी होगा, एक कैपिटल लेटर होगा और एक नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे क्रिएट एंड अकाउंट का जो नीचे दे रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद में ये आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगेगा, तो आपने अगर रजिस्टर कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी उचित दामों में आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वो है ये। आप कहोगे ये क्या है जी? अरे ये है जीएसके सॉल्यूशन, ये आपको जीएसटी नंबर भी प्रोवाइड करेगा, और फ्यूचर में जब आपकी सेल बढ़ेगी तो आपकी रिटर्न भी फाइल करेगा, बहुत ही सस्ते दामों में करता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑर्डर कैसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे आप आ जाते हैं, आने के बाद कुछ ऐसा खुलेगा जैसे आपके सामने खुल रहा है, इधर आओ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, काफ़ी मिनिमम चार्ज है, आप मार्केट में जाओगे तो इससे, यानी कि जो कट लग रखा है 1600, इससे ऊपर 2000 2500 भी मांगेंगे, लेकिन अपनी मिनिमम चार्ज है 899 रुपये। आपको करना क्या है, नीचे आना है, ये आपको डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, ये आपको इनमें से जो चाहिए वो लगाने हैं, ऐड टू कार्ट कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट कर देंगे तो ये आगे आ जाएगा, आगे आने के बाद में आपको करना क्या है, नीचे आइए, इसको व्यू कार्ट में जाके चेक कर लीजिए, यहाँ व्यू कार्ट दिखाई देगा, जैसे आप व्यू कार्ट के अंदर आएंगे ये आ गया,
अब यहाँ आपको अगर कोई कूपन उस टाइम पे जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, अगर कोई कूपन अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, डिस्काउंट के लिए, तो कूपन अप्लाई कर लीजिए। अगर कूपन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वही है, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट कीजिए। काफ़ी इजी तरीका है। जैसे आप करते हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम डालिएगा, आप कि फर्म इंडिविजुअल है, जो भी काम करना चाहते हैं, कंपनी का नाम आपके इंडिविजुअल पे भी है, जो भी हो सकता है वो आप यहाँ डालना। कहाँ के रहने वाले हो, स्ट्रीट एड्रेस क्या है आपका, टाउन कौन सा है, सिटी कौन सी है, स्ट्रीट कौन सा है, पिन कोड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, ये चीज़ आप यहाँ डालिए। उसके बाद में आपको पेमेंट कैसे करना है, फ़ोनपे से करना है तो फ़ोनपे यूपीआई आईडी डालिए, यहाँ से हो जाएगा। पेटीएम से करना है, यहाँ से हो जाएगा। भाई साहब पेपल भी यूज़ करते हो तो पेपल से भी कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, आई कन्फर्म, प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट कर देना है। और उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी आता है, जो रिसिप्ट आता है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके इस पे नंबर दे रखा है, नंबर मैं भी डाल देता हूँ आपको, वहाँ पे जाके आप उसको सेंड कर दोगे। आपका ऑर्डर आईडी आ जाएगा, वो भी आप सेंड कर दोगे। अगर आप इन व्हाट्सएप, फ़ोन, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, देखो फ़ोन की सुविधा, व्हाट्सएप की सुविधा है, फ़ोन की सुविधा है, फेसबुक मैसेंजर की सुविधा है, आप यहाँ से आप डायरेक्ट हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। और होने के बाद आप का जो ट्रांजेक्शन आईडी और ऑर्डर आईडी अगर आप डायरेक्ट दे देते हैं, तो अगर हमारा कोई जो एग्जीक्यूटिव फ्री बैठा होगा, वो आपका काम फास्टली कर देगा, तो जिससे आपका काम इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो जैसे आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपका जीएसटी नंबर जल्दी आ जाएगा। जल्दी आने के बाद तो आपको जैसे जीएसटी नंबर आ जाता है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं तो होता है क्या है कि हम आपको ट्रेंड भी करेंगे। उसके लिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको 1500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। ये हमारे और आपके बीच की बात है, मीशो की बात है, मीशो देता है आपको, हम आपको ट्रेंड करेंगे उस चीज़ के लिए आपका खर्चा। उसके बाद आप आ जाइए वापस यहाँ पे, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.internetsekamao.com। वहाँ पे आप आओगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ पे आना है, ओपन कर लेना है, ये आपको यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा हमारा। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैटलॉग कैसे अपलोड करनी है, और उसके बाद ऑर्डर कैसे आएगा, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें अपडेट करते जाएंगे, तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो के अंत में अभी मैं वीडियो क्लोज ही करना चाहूँगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह का हम पूरा प्रोसेस आगे आने वाले पार्ट्स में बताएंगे। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यदि आप मीशो पे अपना अकाउंट चलाना चाहते हैं और सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप सेल आउट कर सकते हैं काफ़ी इजी गोइंग तरीके से, और वो भी 0% कमीशन के साथ। तो भैया जब पैसा लग नहीं रहा है, कहीं एक्स्ट्रा पे करना नहीं है, डिलीवरी यानी पिकर मैन आएगा आपके घर से माल उठा के ले जाएगा, आपकी दुकान से सामान ले जाएगा और सामान चले जाएगा, और जैसे माल अगले पार्टी को डिलीवर हो जाएगा, उसके 7 दिन बाद आपके अकाउंट में टन से रोकड़ा आ जाएगा, तो भैया बेचो ना माल, मना किसने किया है? और भैया कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स का डिब्बा तो खाली पड़ा है ना भाई, धुआंधार लाइन लगा दो, कमेंट होगी, हम आपका उत्तर देंगे ना, इसीलिए तो बैठे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये आ गया है मीशो का लॉगिन, यानी कि जो सेलर पैनल है, मैंने यानी आपसे बात करते करते ये लॉगिन भी कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर आता कैसे है, तो ये जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, जो ये पेंडिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको शो करेगा नीचे, अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं है तो हम आपको दिखाते हैं। जब आप यहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लोगे ऑर्डर को, तो वो चला जाएगा रेडी टू शिप में। जब यहाँ आप जाके उसको लेबल को डाउनलोड कर लोगे, और वो हो जाएगा सिप, जैसे हमने आज एक ऑर्डर सिप कर दिया, ये देख लीजिए आप, आपकी सामने है, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये ऑर्डर सिप हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सिप में कैंसल, तो हमारा तो ये कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ ही नहीं अभी तक, तो सिप ही है। उसके बाद में आप देखना चाहोगे पेमेंट कैसे आता है भैया, तो पेमेंट का रोकड़ा हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, अभी अभी स्टार्ट किया है मतलब थोड़ा बहुत ही रोकड़ा है, ज़्यादा नहीं आया है, तो परेशान ना हो। तो अभी ये देखो ज़्यादा है नहीं कि हमने कल से तो शुरू, कल परसों से शुरू किया था, तो हमने सोचा जब हम बेनिफिट ले रहे हैं तो सब लोगों को देते हैं ना भाई बेनिफिट, तुम लोग भी लो। तो भैया देख 365 रुपये का माल बेचा था, 55 रुपये का कब आएगा,
अरे भाई किधर गया तू? हाँ इस साइड, इस वाले भाई साहब को इधर हटा देते हैं थोड़ा सा। तो हाँ यहाँ पे हमें ये डाउनलोड नहीं, 19 तारीख को तो ये आएगा। और भैया पिछली बार उन्होंने 165 रुपये डाल दिए थे खाते में GST की। आपको इनवॉइस कैसे डाउनलोड करके भेजनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये डाउनलोड वाला पोर्टल रहा, ये GST रिपोर्ट रही, आपको यहाँ से GST रिपोर्ट निकालनी है। और भैया अगर आप भर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें भेज दीजिए। जो चार्ज है हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा और हम आपकी GST फाइल कर देंगे, तो आप भी कमाओ और अपने दोस्तों को बताओ, उनको भी कमाने का मौका दो। काफी सारा, बहुत बड़ा मार्केट है, बल्क मार्केट है। अगर आप डालेंगे तो बहुत सारी चीजें, कैटलॉग कैसे अपलोड करनी है तो ये दिखा देते हैं। यहाँ पे आइए, अगर आपको सिंगल अकाउंट, सिंगल कैटलॉग यानी कोई एक ही आइटम अपलोड करना है, यहाँ जाइए। यहाँ दुनिया भर की दे रखी है अलग अलग वैरायटी, आपको किस कैटेगरी में डालना है। भाई कपड़े बेच रहे हो, आदमियों के मैन फैशन में चले जाओ, औरतों के वुमेन फैशन में चले जाओ, घर का सामान है होम एंड लिविंग में चले जाओ, बच्चों के खिलौने बच्चों के किड्स एंड टॉयज में चले जाओ, पर्सनल केयर वेलनेस है पर्सनल केयर वेलनेस में चले जाओ, मोबाइल एंड टैबलेट है मोबाइल एंड टैबलेट में चले जाओ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें चले जाओ, अप्लायंसेज हैं अप्लायंसेज में चले जाओ, ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में चले जाओ, ब्यूटी पर्सनल केयर यानी भैया क्रीम व्रीम बेचनी तो यहाँ चले जाओ, किड्स के आइटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ग्रोसरी आपको यहाँ मिल जाएगी, डिजिटल आपको यहाँ मिल जाएगा, वुमेन्स यहाँ होम एंड किचन का यहाँ मिल जाएगा, काफ़ी सारे आइटम्स हैं, क्राफ्ट एंड ऑफिस सप्लाईज, स्पोर्ट्स फिटनेस, बहुत सारी कैटेगरी हैं। आपकी जो आप सामान बेच रहे हो वो कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है, कितना आपके ऊपर GST लगे, वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप भी GST यानी मीशो सप्लायर बनना चाहते हैं, तो आप जो नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी फ्लैश होने शुरू हुए होंगे नंबर, उनके ऊपर कॉल कीजिएगा, या फिर gskesolution.in के ऊपर जाइएगा, वहाँ पे आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, मैसेंजर दिया हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए इंटरनेट से कमाओ के साथ, और इंटरनेट से कैसे कैसे कमाओगे पैसे वो हम आपको बताएंगे सीरियल वाइज। अभी तो हमने बस ओनली आज एक टॉपिक का एक छोटा सा किनारा पकड़ा है कि ऑनलाइन माल आप कैसे बेच सकते हो, वो भी मीशो पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जब पॉकेट से नहीं लग रहा हो कोई कमीशन। भाई मार्केट में कमी एजेंट बहुत हैं, लेकिन ये एक एजेंट है जो आपसे पैसे नहीं ले रहा है, तो भैया माल तो यहीं बेचो ना, तो आइए और बेचते हैं मीशो पे और बढ़ाते हैं अपने बिजनेस को मल्टीप्लायर। यहाँ सबसे बड़ी टेंशन क्या नहीं है कि भैया आपको उससे ग्राहक से चिक चिक नहीं कर रही, वो कह रहा है आपने कहा कि ये 500 का आइटम, वो कह रहा भाई साहब 400 ले लो, फिर आप कहोगे नहीं 450 दे दो, फिर वो कहेगा नहीं 430 ले ले, फिर आप कहोगे 480 ले ले, फिर ऐसे ऐसे घिसते पिसते 450 की डील फाइनल होगी। तो यहाँ फंडा ये है कि भाई आपको लग रहा है कि ये मेरा माल 500 में बिकेगा तो 500 डालो, 500 में बिकेगा, और आपको लग रहा है कि नहीं यार 500 नहीं बिकेगा, खुद ही रेट डाउन कर लो ना भाई, अपना आप बिक जाएगा। सीधी सी बात है, मार्जिन उस हिसाब से सेट करोगे आपका बिजनेस बढ़े, प्रॉफिट भी हो और कस्टमर भी बढ़े। तो 15 मिनट के करीब होने को है वीडियो, तो अब हम करेंगे वीडियो को विराम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ जाते जाते एक बात कहूंगा, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे दुनिया भर के आपके दोस्त होंगे जो भी सामान बेचना चाहते होंगे उनको भी भेजो कि भैया मीशो पे बेचो, मीशो पे बेचो, और सीखना है तो इंटरनेट से कमाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ और सीखो, हम सिखाएंगे ना आपको, इसीलिए हैं हम आपके लिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स इसलिए है कि अगर आपकी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में डालो, और भी आप कोई सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी डालिए, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है डालिए, हम आपकी सब तरीके से मदद करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय माता दी।